हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पार्ट ए सेक्शन सेकंड, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको उस लेक्चर का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट, एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट, मींस प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज फॉर सीबीएसई 12th मैथ्स 2020 टू 21 सेशन। ठीक है, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये आपके दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्री बोर्ड हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और ये रहा हमारा प्लेजर टेस्ट सीरीज पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट, जो पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हमने रिवीजन टेस्ट भी कंडक्ट किए थे, उनके भी आपको लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा अगले लेक्चर की तरफ, यानी आज की क्लास में। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 सेक्शन सेकेंड, हमें क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th, दैट मींस केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें टोटल 5 सब पार्ट्स मिलेंगे एंड हमें सिर्फ 4 सब पार्ट्स सॉल्व करने होते हैं। बस ये कहानी होती है केस स्टडी क्वेश्चंस की। अब बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्या डाटा दिया हुआ है देख लेते हैं। मेघना हैज टू बॉक्सेज फर्स्ट एंड सेकेंड। बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स सेकेंड में 5 रेड एंड n ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकेंड इज सेलेक्टेड बाय हर फ्रेंड राधा एट रैंडम एंड देन राधा ड्रॉज अ बॉल एट रैंडम। ठीक है, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। ओके, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी जो भी बॉल निकाला गया, राधा ने जो भी बॉल निकाला तो वो रेड कलर का था। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है हमें। मेघना नोटिसेस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स सेकेंड इज 3/5। ओके, देन राधा आस्क हर अबाउट द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इज। ओके, हमें एन की वैल्यू बतानी है, जो कि बॉक्स सेकेंड में ब्लैक बॉल्स का कितना क्वांटिटी था, उसके लिए हमने अजम्पशन लिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिकली। तो चलते हैं जरा यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं एक इवेंट ए लिख लेता हूं, जिसका मतलब है कि बॉल इज फाउंड टू बी रेड। जो हमने बॉल ड्रॉ किया ना यहाँ पर, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ये दिया हुआ है, इसको हमने इवेंट ए मान लिया। ठीक है, इवेंट ई वन मान लो एंड इवेंट ई टू मान लो, और इसे हम क्या मानेंगे कि बॉक्स फर्स्ट इज सेलेक्टेड। ठीक है, बॉक्स फर्स्ट इज सेलेक्टेड, और इसे ले लो बॉक्स सेकेंड इज सेलेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे इवेंट्स हो गए। अब इनके ऊपर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया क्या हुआ है इन लोगों ने, हमें बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स सेकेंड, तो सेकेंड बॉक्स में से रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, यानी 3/5। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये बेस थ्योरम की तरफ इशारा कर रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो चलिए जरा बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर क्या बनेगा। तो दिस विल बी ए ओवर ई टू का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ ई टू। ठीक है, बात समझ आई सभी को। और ऐसे ही ए ओवर ई वन का प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस ए ओवर ई टू का प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। ठीक है, और ये पूरा तो आपको 3/5 गिवन है ही बच्चों। ठीक है, अब यहां पर पी ऑफ ई वन या पी ऑफ ई टू की वैल्यू क्या होगी। तो पी ऑफ ई वन का मतलब है बॉक्स फर्स्ट का सिलेक्शन एंड पी ऑफ ई टू का मतलब है बॉक्स सेकेंड का सिलेक्शन। और हमारे पास टोटल कितने बॉक्स हैं बच्चों, तो हमारे पास टोटल 2 ही बॉक्स गिवन है। तो बस अगर यहां पर हम देखें तो ये बनेगा आपका 1/2 और पी ऑफ ई टू भी बनेगा आपका 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ए ओवर ई वन का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट बॉक्स है तो उसमें से रेड कलर का बॉल, तो रेड कलर के बॉल कितने हैं हमारे पास, तो 3 रेड बॉल्स हैं और फर्स्ट बॉक्स में टोटल है 9 बॉल्स। देखो जरा, 3 रेड प्लस 6 ब्लैक। ठीक है बच्चों,
ऐसे ही P ऑफ A ओवर E2 अगर हम करेंगे तो दैट मीन्स सेकेंड वाले बॉक्स में से आपने रेड कलर का बॉल निकाला, तो रेड कलर का यहाँ पर 5 है एंड टोटल बॉक्स बनेंगे 5 प्लस N, क्योंकि अगर सेकेंड वाले बॉक्स में देखेंगे ना तो 5 रेड बॉल्स हैं एंड N ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स हो जाएंगे 5 प्लस N, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यूज हम लोग अपने फॉर्मूले में रिप्लेस करके कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये E1 और E2 की जगह 1/2 अगर आप डालेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, ठीक है। तो मैं इसको पुट ही नहीं करूंगा, यहाँ पर MCQ है, जितना जल्दी करो उतना आपका फायदा होगा। तो यहाँ पर P ऑफ A ओवर E2 का प्रोबेबिलिटी यानी 5/5 प्लस N, ठीक है, और यहाँ पर A ओवर E1 का प्रोबेबिलिटी मीन्स 3/9 दैट इज 1/3 प्लस 5/5 प्लस N। पहले जरा इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम इसको 3/5 के इक्वल रखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका बनेगा 5/5 प्लस N अपॉन 5 प्लस N प्लस 15 यानी 20 प्लस N अपॉन 3, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 3/5। देखो बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है, कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, नथिंग एल्स। अब यहां से हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिलेगा 20 प्लस N इक्वल टू 25। एक बार देखिए ध्यान से, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो बस यहां से हमें N की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू क्या मिली तो 5, तो हमें बस N की वैल्यू ही निकालनी थी यहां पर। तो अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही बन गया बच्चों, तो फर्स्ट का ऑप्शन सी सही बन गया बच्चों, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट यहां पर आप रीड कर सकते हैं क्या बोला हुआ है, पढ़िए जरा ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स फर्स्ट इज सिलेक्टेड गिवन दैट द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, समझे। यहां पर बेसिकली आपसे बोला हुआ है कि बॉक्स फर्स्ट इज सिलेक्टेड गिवन दैट द बॉल इज ऑलरेडी फाउंड टू बी रेड, तो हमें ये निकालना है। ये निकालने का मतलब ये भी आपका बन गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन, तो यहां पर बस फॉर्मूला लिख दो और डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे ए ओवर ईवन का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ईवन प्लस ए ओवर ई टू का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ ई टू। अब क्योंकि पी ऑफ ई वन एंड पी ऑफ ई टू तो 1/2 थे, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है फर्स्ट पार्ट में, अगर आपको ध्यान हो यहां पर देखिए टॉप में, ये देखिए ये हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनकी जगह मैं 1/2 जब डालूंगा तो कॉमन आके वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डालूंगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, पी ऑफ ए ओवर ईवन का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला हुआ है अगेन, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज 3/9, तो 3/9 का मतलब क्या हुआ 1/3, तो इसको 1/3 लिख लो और डिनोमिनेटर में आप आ जाओ 1/3 प्लस। अब ये पी ऑफ ए ओवर ई टू का प्रोबेबिलिटी क्या था, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं 5/5 प्लस एन, और एन की वैल्यू 5 आई है, मतलब 5/5 प्लस 5, कुछ समझे, तो 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा ये, तो ये बनेगा आपका 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर तो 1/3 और नीचे बनेगा आपका 5/6, तो 1/3 इंटू 6/5 दैट मीन्स 2/5, सो दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो 2/5 आपके ऑप्शन बी में है सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, इसमें क्या दिया हुआ है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। तो रेड के लिए हमने P ऑफ A निकालना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, यानी ये बन गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, समझ आया। तो ये लो जी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब P ऑफ E1 एंड P ऑफ E2 तो 1/2 है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसे मैं बाहर लिख लेता हूं, P ऑफ A ओवर E1 यानी 1/3, P ऑफ A ओवर E2 यानी 5/10 आया था, याद है आपको, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 5/6 आ जाएगा, सो दैट इज 5/12, सो दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो 5/12 का मतलब क्या हुआ आप यहां पर देख सकते हैं, सो दिस विल बी ऑप्शन ए, बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जरा फोर्थ पार्ट में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स, ओके,
Also, let E1 and E2 be the events that box first and box second is selected. Okay, वैसे यही assumptions हमने भी लिए थे first part में, अगर आपको ध्यान हो तो. The value of this expression. तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है probability of EI over A. समझे? और I की value 1 से लेकर 2 तक जा रही है summation में अगर आप ध्यान से देखें. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे बोल रहा है probability of E1 when A has already occurred. प्लस प्लस क्यों किया? बिकॉज ऑफ समेशन. ठीक है, आई की वैल्यू 1 डाल दी, समेशन की वजह से प्लस डाला, अब आई की वैल्यू 2 डालो. ठीक है, तो ये इस तरीके से. अब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहां पर टोटल दो ही केसेस है ना, E1 एंड E2, बिकॉज दो ही बॉक्सेस थे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों. इफ यू डोंट बिलीव मी तो आप एक काम करिए, इसका ना इसका बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला लिखो. क्या होता है तो इसका बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला देखो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी. आपको ध्यान है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, ये पूरा सेकेंड पार्ट में लिखा था ये शायद, नहीं तो ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा a ओवर e2 इंटू पी ऑफ e2. ठीक है, प्लस अब इसके लिए लिख दो तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, पी ऑफ a ओवर e2 का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ e2, और डिनोमिनेटर में सेम चीज रिपीट होने वाली है, यानी a ओवर e1 का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ e1 प्लस a ओवर e2 का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ e2. ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना तो डिनोमिनेटर सेम है और वही चीज फिर न्यूमरेटर में आ जाएगी. चेक करके देखो, आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने वाला काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे और कैंसल आउट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो 1 मिलेगा. ठीक है, तो अपने ऑप्शन को देख लो बेटा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, ये रहा जी. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जरा फिफ्थ पार्ट में, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है. इसने बोला हुआ है कि रेफर टू फोर्थ पार्ट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी समीशन है और आई की लिमिट 1 से लेकर 2 तक जा रही है बच्चों. तो जैसे ही मैं आई की जगह 1 डालूंगा तो पी ऑफ e1 बनेगा, आई की जगह 2 डालूंगा तो पी ऑफ e2 बनेगा. बात समझ आ रही है? और ये आपका 1/2 + 1/2, समझे? इनकी वैल्यूज हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाली हुई है. फिर से दिखाऊं क्या? यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पर देखो टॉप में, समझे? ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 डाल देंगे और इसका एलसीएम ले लो तो आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी. तो 1 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा फिफ्थ पार्ट के लिए. क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 टेस्ट का. ठीक है, तो यहां पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पढ़िए ध्यान से बच्चों. तो क्या दिया हुआ इन्होंने, देयर इज अ लोकल प्रिंटिंग प्रेस हुज ओनर इज गिवन अ बल्क ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग ऑफ अ मैगजीन बाय अ स्कूल ऑफ द सेम लोकेलिटी. ठीक है, फॉलोइंग इज द पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन फॉर अ पर्टिकुलर पेज सेलेक्टेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी पेज सेलेक्ट किया जहां पर उनकी मैगजीन प्रिंट होने वाली है तो उसका ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे पेज का जो लेंथ है ना वो एक्स है और इसका जो ब्रेथ है ना बेटा वो वाई है. ठीक है, द टोटल एरिया एरिया आपको गिवन है 150 cm². तो यहाँ पर एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बनेगा एक्स इंटू वाई, समझे? तो ये आपको दिया हुआ है 150 cm², ये ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, द कंबाइंड विड्थ ऑफ द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम इज 3 cm एंड द साइड द 2 cm. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात मार्जिन का मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें, देखो ये वाला एरिया जो है ना टॉप में, इस वाले एरिया पे ना प्रिंटिंग नहीं होगी बच्चों. ठीक है, तो ये टॉप का मार्जिन है और ये बॉटम वाला मार्जिन है, ये वाला बॉटम का मार्जिन है. तो इसका टोटल विड्थ, किसका विड्थ? मार्जिन का विड्थ, टॉप एंड बॉटम का टोटल विड्थ. टोटल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंबाइंड बोला हुआ है, देखो ध्यान से. तो टॉप एंड बॉटम का जो कंबाइंड विड्थ बनेगा ना मार्जिन के लिए, वो बनेगा 3 cm इस पेज के ऊपर. ठीक है, और जो साइड्स में मार्जिन है, देखो यहां पर भी मार्जिन है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में. ठीक है, तो पेज के लेफ्ट एंड राइट में जो मार्जिन बनेगा उसका जो कंबाइंड विड्थ है वो दे रखा है आपको 2 cm. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंटिंग होगी, जहां पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग एरिया, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो जो प्रिंटिंग होगी उसके लिए लेंथ क्या बनेगा, ध्यान से सोचिए. तो प्रिंटिंग के लिए जो लेंथ बनेगा ना वो बनेगा आपका, ये मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये प्रिंटिंग के लिए लेंथ है.
तो प्रिंटिंग के लिए लेंथ बनेगा एक्स माइनस थ्री, कुछ समझ आया? क्योंकि ऊपर से और नीचे से टोटल आपका 3 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ रहा है, ऊपर यानी टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आपका लेफ्ट एंड राइट में जब मार्जिन छोड़ा जा रहा है तो उसके लिए जो आपका विड्थ बनेगा तो वो क्या बनेगा बच्चों? तो वो बनेगा वाई माइनस टू, क्योंकि यहां पर देखो 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया और टोटल विड्थ वाई है, तो जो छोड़ देगा उसको हटा दो वहां से, तो वाई माइनस 2 सेंटीमीटर। तो ये प्रिंटिंग वाला एरिया बनेगा जहां पर आपको लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू ये गिवन हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट आंसर द फॉलोइंग, तो हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखते हैं जरा फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? आई थिंक हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू 150। अगर आपको ध्यान हो, देखो यहां पर हमने निकाल लिया है, बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, देख लो, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बच्चों? तो x into y equal to 150, which option is correct? देख लो, option B is correct. बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में बोला हुआ द एरिया ऑफ द पेज वेयर प्रिंटिंग कैन बी डन, हमने ये भी निकाल लिया है, देखो यहां पर ध्यान से, एरिया नहीं निकाला है लेकिन प्रिंटिंग के लिए लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा ये निकाल लिया है। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू। बात समझ आ रही है सभी को? तो x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू, तो ऑप्शन सी सही बन गया इसके लिए, आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया, अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द प्रिंटेबल रीजन ऑफ द पेज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके, तो अगर एरिया को मैं ए बोल दूं तो हमने अभी अभी फाइंड किया कि ये x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू आएगा, लेकिन अब हमें एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो x माइनस थ्री को तो रहने दो, लेकिन y माइनस टू में y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहां से y आपका आ जाएगा 150 अपॉन x, समझे? तो इसको हम यहां पर रिप्लेस बैक कर देते हैं, सो दिस इज 150 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब या तो यहीं छोड़ दो, लेकिन यहां छोड़ोगे तो आपका ऑप्शन देख लो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस मैच कराने के लिए हमें अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो x इंटू ये पूरा ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये बनेगा 150 माइनस 2x, समझे? बात समझ आई? आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 450 अपॉन एक्स प्लस 6। अब इनको जरा एक बार आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 156 माइनस 2x माइनस 450 अपॉन एक्स ये बन जाएगा। तो एक बार अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं, 156 माइनस 2x, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्लस 2x है, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस 450 अपॉन एक्स, तो माइनस 450 बस यहीं पर था, ऑप्शन ए में था, बाकी जगह तो नहीं है, तो यानी ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा लास्ट वाला, देखो एक बार ऑप्शन डी एक बार चेक करो, है ना। मैंने बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना 150 को, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, 3 को बाहर रखा हुआ है। 3 इंटू 150 अपॉन एक्स करोगे तो वही आएगा जो हमें मिला हुआ है, यानी 450 अपॉन एक्स। बात समझ आई? तो यानी थर्ड पार्ट का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं जरा फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में बोल रहा हुआ है कि x की किस वैल्यू के लिए प्रिंटेबल एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमने अभी अभी एरिया फंक्शन निकाला है, दिख रहा है आपको, है ना, 156 माइनस 2x माइनस 450 अपॉन एक्स। तो इस एरिया फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, कुछ समझ आया? मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए अब ये, ठीक है। तो चलते हैं जरा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dA अपॉन dx, तो ये 156 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2, और ये बन जाएगा आपका 450 अपॉन x स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहीं पर मैं आपके लिए डबल डेरिवेटिव भी कर दे रहा हूं, वैसे आपको पता है डबल डेरिवेटिव की यहां जरूरत नहीं है, बताओ क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है बताइए? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, अब इसमें x क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो नेगेटिव कभी होगा नहीं, x नेगेटिव नहीं होगा, तो ओवरऑल डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा,
तो बेसिकली बस थोड़ा सा ना आइडिया लेने के लिए कि हमारा आंसर भी सही आने वाला है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, डेरिवेटिव हमने सही किया है, ठीक है। इसके लिए मैंने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया आप लोगों के लिए, अदरवाइज एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करो जो आपका टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट ये है कि एक्स की वैल्यू बताओ ताकि प्रिंटेबल एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने वाला हूँ, तो ये बनेगा आपका माइनस टू प्लस 450 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑल दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम साइड चेंज करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा आपका 450, ठीक है। तो यहां से बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225, तो यहां से आपको x मिल जाएगा 15। अच्छा ये बताओ प्लस माइनस 15 क्यों नहीं लिया मैंने, प्लस माइनस 15 क्यों नहीं लिया बताना मुझे कमेंट करके। चलिए तो एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए सही हो गया फोर्थ पार्ट के लिए। वैसे यहाँ पर ऑप्शन डी देखो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 15 यूनिट्स। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सारा डाटा ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कैसे पता चला, एक बार मार्जिन को देख लो और एरिया को देख लो, एरिया आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे मुझे पता चला कि आपका जो लेंथ एंड विड्थ है ना, जो एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर पेज के लिए, तो वो सेंटीमीटर में ही है, तो पूरा डाटा आपका सेंटीमीटर में है, इसलिए आपका फोर्थ पार्ट का जो आंसर आपने निकाला है वो भी सेंटीमीटर में ही आने वाला है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं जरा अगले पार्ट को देखते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द डाइमेंशंस ऑफ द पेज सो दैट इट हैज मैक्सिमम एरिया टू बी प्रिंटेड। अब पेज का डायमेंशन पूछा हुआ है, डायमेंशन मतलब पेज का लेंथ क्या होगा और उसका विड्थ क्या होगा। तो लेंथ तो हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू, हमें अब वाई की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको याद होगा हमने x into y equal to 150 ये लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट में। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने जस्ट अभी अभी निकाली है 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर जैसे ही आप पुट करेंगे तो 15y equal to 150, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है, और यही आपका विड्थ हो जाएगा। तो देख लेते हैं जरा x की जगह 15 एंड y की जगह 10 सेंटीमीटर कहां दिया हुआ है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है, लेंथ आपका 1 दे दिया है, तो सेकंड यानी बी पार्ट में देखते हैं, तो लेंथ यानी x 15 सेंटीमीटर, विड्थ यानी ठीक है यही सही है आपका, तो फिफ्थ का बी पार्ट सही हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये तो आज की क्लास में हो गया, यानी प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पार्ट ए का सेक्शन सेकंड हमने कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, यानी 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ और वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ उनका जवाब भी दिया करो कमेंट करके। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, all the best, thank you।